नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही रोजगार को लेकर भी कई ठोस कदम उठाने को लेकर बातें कही है। देखिए, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार के अंदर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है, आम लोग भी पॉर्न फिल्म देखकर गलत काम करने लगे हैं। बिहार के अंदर में एक दिन में औसतन 35 से 40 बलात्कार की घटनाएं हो रही है। ये बलात्कारी हमारे ही समाज के बीच रहने वाले है, इनको चिन्हित करने की जरूरत है, अन्यथा नीतीश राज में बेटी की आवाज के नाम पर राजनीति करने वाले डबल इंजन की सरकार बेटी की असमत बचाने में खड़ी नहीं उतर रही। मेरी सरकार आती है तो 72 घंटे के अंदर पॉर्न जैसी गंदी फिल्म को बंद कर दिया जाएगा और एक अभियान चलाकर बिहारी युवा और छात्र के एक मिसाल कायम करेंगे, जो सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत में सामाजिक जागरूकता अभियान के साथ पॉर्न फिल्म को बंद कराने की मुहिम शुरू करेंगे और ऐसे बलात्कारियों के लिए स्पीडी ट्रायल चलाकर 6 महीने के अंदर फांसी का प्रावधान लाऊंगा। वही जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के गरीब, मजदूर, किसान और युवा छात्र विरोधी है, वर्चुअल रैली करती है मगर एक्चुअल में बिहार की जनता को क्या चाहिए उस पर बात नहीं करती। बाढ़ के मुद्दे पर बिहार सरकार कुछ नहीं बोलती, किसान के मुद्दे पर डबल इंजन की सरकार चुप है, बेरोजगार युवा इधर उधर भटक रहे हैं उस पर कुछ नहीं कहती, जो छात्र का भविष्य बनाते हैं नियोजित शिक्षक उन पर कोई संज्ञान नहीं लेती, जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके रोजगार के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। वर्चुअल रैली करके एक्चुअल बात को समस्याओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि वर्चुअल वोटिंग के लिए जो बिहार सरकार की डबल इंजन की सरकार गंदी राजनीति कर रही है, मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि जिन पार्टियों के पास पैसा है वह वर्चुअल रैलियां भी करेंगे और वर्चुअल वोटिंग की भी बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। और आगे जिस हालात में बिहार है, जांच की प्रक्रिया नीतीश कुमार ने साजिश के तहत बंद कर दी ताकि जबरदस्ती चुनाव करवा सके, मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से, जब तक हम कोरोना वायरस से मुक्त नहीं होते हैं तब तक यदि स्कूल बंद हो सकता है, जब बाजार जिम बंद हो सकता है, जब मॉल बंद हो सकता है, तो फिर चुनाव क्यों होगा? इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए। तक सड़कों पर मार देने वाली सरकार अरवा चावल 5 किलो देकर हमारी वोट का सौदा करता है। हमारी औकात 5 लाख 5 किलो नहीं है। हमारी संवेदना के साथ ये सरकार मत खेले। इस बात पता चलेगा कि हमारी औकात मजदूरों की औकात, यूथ की औकात और किसानों की औकात कितनी बड़ी है। और जिस तरीके से अपराध की सीमा है और इकोनॉमी को बिहार का अंतिम प्रदान कर दिया, नीतीश कुमार जवाब नहीं दे सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ नीतीश कुमार, गांधी मैदान में आमने सामने हमारे चैलेंज को स्वीकार करिए। सर एक सवाल है, सर एक सवाल, बापू जी एक सवाल, विकल्प की बात आप कहते हैं जनता विकल्प चाहती है, लेकिन जब भी विकल्प की बात आती है और आपसे पूछा जाता है सवाल कि क्या आप विकल्प बनेंगे, तो आप इस सवाल से पल्ला छुड़ा लेते हैं। सर बेमौसम बरसात नहीं होती है, बात आने दीजिए। अभी सवाल बेटियों के बलात्कार का था, सवाल धोती का था, सवाल मर्डर का था, सवाल बिहार का है, सवाल पटना के व्यवसायियों का, समय आएगा तो भी